वेलकम टू सुहेल मोटर्स। आज एक जेन MPFI का थ्रॉटल सर्विस, थ्रॉटल बॉडी सर्विस कैसे करते हैं आज आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको ये अच्छे से वॉश कर लेना है, इधर कार्बन रहता है। अच्छे से वॉश करके इसको एयर मार के रेडी कर लेना है। ये ISC वाल्व है, आइडल एयर स्पीड कंट्रोल वाल्व है। ये जाम हो जाता है दोस्तों, इसमें थ्रॉटल स्प्रे से थ्रॉटल स्प्रे लगा के अच्छे से क्लीन कर लेना है। ऐसे इजी से घूमना है दोस्तों, अगर ये नहीं घूमेगा तो आपका आइडल ठीक से नहीं आएगा दोस्तों। अच्छे से धो लेने के बाद इसको थोड़ा लुब्रिकेशन कर लेना है। लुब्रिकेशन करने से थोड़ा जल्दी आपको ये जाम नहीं होगा। इसके बाद ये पैकिंग है दोस्तों इसका, ये MGP में मिलता है, 80 रुपीस है इसका। ये लेके इसको सही तरीके से फिक्स कर देना दोस्तों। 4 स्क्रूस लगते हैं इसके, ये वाले स्टार के। ये 4 स्क्रूस टाइट कर लेना है, ऑपोजिट टाइट करना है। तो टाइट कर आपको दिखाते हैं। अब ये स्क्रूस टाइट कर लिया है, अभी इसका पोजीशन इधर थ्रॉटल का सेंसर के ऊपर पोजीशन रख के इसका ओवरिंग डाल देना है, नया वाला। ये ओवरिंग हमने लगा लिया है। ये जो मैग्नेट है दोस्तों, इसका पोजीशन ऊपर, इधर थ्रॉटल पोजीशन सेंसर के ऊपर की तरफ रख के ये कॉइल लगा देना है। ध्यान रहे कि ठीक से लगा देना है, नहीं तो वो घूम जाएगा। इसके 2 स्क्रूस होते हैं, इसके 2 स्क्रूस आते हैं, ये 2 स्क्रूस टाइट कर लेना है दोस्तों। इसका पोजीशन सेंटर रख के टाइट कर देना है। अब ये स्क्रूस टाइट हो गए हैं दोस्तों, अभी कार में लगा के इसको आपको दिखाते हैं। इसे हल्के से थोड़ा अनबॉन्ड लगाते हैं, अनबॉन्ड लगा के आपको दिखाते हैं दोस्तों। हल्के से हमने अनबॉन्ड लगा दिया है। ये क्या होता है दोस्तों, ये थ्रॉटल सर्विस करना जब करते हैं, जब ये इसके बोल्ट्स और नट्स खोलते हैं, इसका सीटिंग सरफेसिंग ख़राब हो जाता है, इसलिए थोड़ा हल्के हाथ से ये अनबॉन्ड लगाने से कहीं भी वैक्यूम लीक नहीं होगा दोस्तों। अभी फिक्स करने वाले हैं दोस्तों। इसके 2 बोल्ट्स और 2 नट्स आते हैं।
इसको फिक्स करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। इसके दो नट्स और दो बोल्ट्स हमने टाइट कर लिया दोस्तों। अभी इसकी बाकी की फिटिंग आपको दिखाते हैं। ये ISC वाल का कपलिंग है, तीन वायर का सॉकेट है, ये यहाँ लगाते हैं दोस्तों। ये थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का कपलिंग है, ये यहाँ लगाते हैं दोस्तों। इसमें मैप सेंसर यहाँ आता है दोस्तों। ये छोटे गाड़ियों में मारुति वैन, ओमनी 800, आल्टो वगैरह इधर आता है मैप सेंसर। ये गाड़ी में यहाँ दिया है, यहाँ से एक वैक्यूम पाइप, ये देखिए दोस्तों, इधर से वैक्यूम ये लेती है ये मैप सेंसर। ये एक्सेलरेटर केबल है दोस्तों, ये यहाँ फिक्स होती है ऐसे। इसका प्ले थोड़ा ढीला रखे, ये टाइट करना है, टाइट करके दिखाते हैं। ये एयर फिल्टर का होस पाइप है, और ये इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है दोस्तों। इसमें एयर का टेम्परेचर कैलकुलेट होता है। अभी आपको दिखाते हैं, ये होस पाइप का क्लैंप टाइट कर रहे हैं। ब्रीदर पाइप है दोस्तों, ये ब्रीदर पाइप भी फिक्स कर दे रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, हमने पूरा फिक्स कर दिया है दोस्तों। अभी स्टार्ट करके आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गया। अभी थोड़ा इसका RPM ज़्यादा है, ये थोड़ा हीट होने के बाद इधर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से एक सिग्नल जाता है दोस्तों। कूलेंट टेम्परेचर सिग्नल से सेंसर से एक सिग्नल जाता है DCM को, उधर से RPM लो होता है दोस्तों, आप करके स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। ये देखिए दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सोहेल मोटर्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू।